टू माई चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं BS6 164V। जैसा आप लोग देख सकते हो नया जो आया है अपाची का, तो फ्रंट से स्टार्ट कर सकते हैं आप। DRL देख सकते हो यहाँ पे और LED हेडलाइट मिल जाएंगे आपको इसके आगे पे। तो ये तो हो गया हेडलाइट का जो आपके LED पे प्रेजेंट है। अब राइट लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करके दिखाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। फ्रंट का लुक पूरा चेंज कर दिया गया है पिछले वाले वर्जन से। जैसा आप लोग देख सकते हो काफ़ी एग्रेसिव टाइप लग रहा है, काफ़ी बड़ा कर दिया गया है इसके फेस को। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं और कस्टम विंडशील्ड भी लगा सकते हो आप लोग। नीचे आते हैं तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर आप देख सकते हो और सुपर मोटो ABS यानी कि सिंगल चैनल ABS इस पर प्रेजेंट किया गया है। फ्रंट देख सकते हैं और ये ABS रिम जो आपका कवर किया हुआ है ब्लैक प्लेट्स है। और 90x90 का फ्रंट टायर है इसका, 17 इंच का व्हील है और जो एलॉय है वो ब्लैक पे प्रेजेंट किए गए हैं। पीछे आते हैं तो यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर आप देख सकते हो, कैटालिटिक कन्वर्टर का कैन एंड ऑटो सेंसर लगा हुआ है। BS6 कंप्लायंट इंजन है तो कैटालिटिक कन्वर्टर हो गई। नीचे आपको हाइपर एज लिखा हुआ है, काउल जो है ये आप इधर देख सकते हैं, हल्का मैट पर प्रेजेंट है ये वाला पार्ट। ऊपर आते हैं हैंडल पर तो ये किल स्विच आप देख सकते हो यहाँ पे और ये इग्निशन का, ये हाई बिन लो बिन के लिए, पास लाइट के लिए यहाँ से अलग से ऊपर में दिया है, ये राइट लेफ्ट इंडिकेटर, ये हॉर्न के लिए। और मीटर पे आते हैं आप तो यहाँ पे आपको राइट इंडिकेटर जलने का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे आपको इंजन लाइट, यहाँ पे ABS का लाइट और हाई बिन का लाइट है, ये न्यूट्रल का, ये लो फ्यूल का लाइट। और यहाँ फ्यूल बताएगा आपको, ये स्पीड, यहाँ RPM बताएगा और ये टाइम बता रहा है, इससे आपको ट्रिप बताएगा। जैसा आप देख सकते हो हाई स्पीड आपका और ये अब टैंक पे आते हो, टैंक पे आप देख सकते हो हल्का सा MotoGP को रिफर कर रहा है, MotoGP का लोगों को ये वाला स्टिकर। और टैंक काफ़ी बड़ा है इसका, टैंक की कटिंग ऐसी है कि आपके पैर यहाँ पे आराम से फंस जाएंगे। और टैंक पे एक ठो हॉर्स का मोनोग्राम मिल जाएगा आपको, RTR 160 का एक ठो यहाँ पर मोनोग्राम मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा टैंक है, 12 लीटर का इसका फ्यूल कैपेसिटी है, आप लोग यहाँ पे खोल के फ्यूल आराम से डाल सकते हो। अब सीट पे आते हैं तो सीट आप देख सकते हो सिंगल सीट है और राइडर के लिए यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। और ग्रैब रेल पीछे का देख सकते हो, ग्रैब रेल का कट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको RTR 164V का एक स्टिकर लगा हुआ मिल जाएगा। इस साइड आते हैं नीचे में तो वहाँ पर आप गियर देख सकते हो और यहाँ पे आप चेन का देख सकते हो, चेन पे कवर प्रेजेंट किया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे आप देख सकते हैं, रेड कलर का सस्पेंशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बॉडी पे अपाची लिखा हुआ है और ये वाला आपका जो है साड़ी गार्ड आप देख सकते हो, इस पर आप अटैचेबल नॉन अटैचेबल ये वाला है जो फुटरेस्ट है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रू खोल सकते हो। पीछे का हगर इस पर प्रेजेंट किया गया है जिसपे RTR लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बैक टायर आप लोग देख सकते हो 130x70 का बैक टायर है, 17 इंच का एलॉय है। पीछे की लाइट पे आते तो LED पे प्रेजेंट किया गया एक छोटा सा लाइट और राइट लेफ्ट इंडिकेटर आगे जैसे बल्ब में प्रेजेंट है वैसी। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है राइट लेफ्ट में। यहाँ पे अब एक और यहाँ से आप सीट को ओपन कर सकते हो इसका। अब पीछे के ब्रेक पर आते हो आप देख सकते हो डिस्क प्रेजेंट है और इस पर ABS रिम नहीं है, पीछे का डिस्क आपको दिख रहा होगा और इस पर ABS नहीं है, सिंगल चैनल ABS है। तो ABS का रिम जो है वो आगे में मिलेगा और ABS रिम जो है वो पीछे में आपको नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे ब्रेक कैलिपर सब देख सकते हो आपको प्रेजेंट है। ये वाला TVS रेसिंग का जो रेडियम है वो आपको आगे में भी प्रेजेंट किया गया है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब मफल की तरफ बढ़ते हैं एग्जॉस्ट का, तो जैसे आप लोग देख सकते हो काफ़ी गन टाइप थोड़ा सा लुक दे रहा है ये और काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है, इसका साउंड भी सुनाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का मैट कलर पे है एग्जॉस्ट। तब इंजन पे आते हैं, जैसा आप लोग वहाँ पे देख सकते हो TVS लिखा हुआ और BS6 का छोटा सा स्टिकर आपको नीचे में दिख रहा होगा। अब इंजन के बारे में बताते हैं तो आपका इंजन जो है 159.7 cc का है जो राउंड ऑफ करके 160 cc हो जाता है, 16.02 PS का पावर और 14.12 Nm का टॉर्क आपको प्रेजेंट कर देगा। ऑयल कूल है, FI भी प्रेजेंट है इस पर और 4-stroke में है। ये तो हो गया इंजन का, किक के बारे में बताते हैं तो इसमें किक प्रेजेंट नहीं किया गया, ओनली सेल्फ स्टार्ट आपको इस पर प्रेजेंट किया गया। अब बॉडी काफ़ी अच्छी कर रही है, काफ़ी शार्प कटिंग बॉडी भी है। अब डायरेक्ट एग्जॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो साउंड काफ़ी एग्रेसिव आ रहा होगा आप लोग सुन सकते हैं और हालांकि
साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो होप सो गाइस वीडियो पसंद आया होगा। इस वाली बाइक पे सिंगल चैनल रिलीज मिल जाता है आपको, किक नहीं मिलेगा इस पे और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और एक और बात जो बताऊंगा, इसका जो 200 वर्ज़न है उस पे आपको स्मार्ट कनेक्ट मिलता है, 160 वाले वर्ज़न पे नहीं मिलेगा। 200 जो इसका है उस पर आपको स्मार्ट कनेक्ट मिलेगा, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। तब चलिए वीडियो एंड करते हैं, होप सो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट में बताएं कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।